30 घंटे वेंटिलेटर पर और मेरे 14 घंटे का इंतज़ार। भाई सब जान हलक तक आ गई थी। 4:15 हो रहे हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। कल के बाद से आज 21 तारीख शाम को 3:45 पे मैं टेस्ट के लिए देने जा रहा हूँ, KFT और CBC। थोड़ी देर में रिपोर्ट का पता चलेगा, लगभग 4 घंटे के बाद। कल से अब तक पापा की अब ये अपडेट आई है कि सिर्फ ब्लड सैंपल। कल भी ब्लड सैंपल का सीन था, आज भी ब्लड सैंपल का सीन है। इसके अलावा और कोई अपडेट नहीं थी अंदर, और कल से अब तक वो वेंटिलेटर पर ही हैं जहाँ तक मेरे को पता है। बाकी अंदर जाके आपसे बात करता हूँ मैं। गाइस, संकट की घड़ी चल रही है। कल पापा सुबह 8 बजे गए थे OT के अंदर, 9:30 बजे के बाद शायद उन्हें सुला दिया था। 36 घंटे से ऊपर हो गए हैं, अभी तक उनको होश नहीं आया। और अभी मैंने पूछा ज़बरदस्ती करके, मैंने कहा बताओ ये है वो है क्या कंडीशन है। तो उनकी जो डॉक्टर मेडिकल टर्म्स में जो उन्होंने मेरे को बताया, तो वो चीज़ तो पहले मेरे सर के ऊपर से निकल गई है। लेकिन मैंने शॉर्ट फॉर्म में पूछा, बॉडी हील कर रही है, रिकवरी कर रही है, रिस्पॉन्ड दे रही है, पार्ट्स मूव हो रहे हैं, हाथ पैर हिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम कुछ नहीं बता सकते, बस मशीन पे। तो मैंने कहा ICU में है या वेंटिलेटर पे, या वेंटिलेटर से उन्होंने शायद कोई चीज़ कही थी, वेंटिलेटर या उससे भी कोई ऊपर हाई एंड चीज़ होगी, तो ये उस चीज़ पे वर्क है। तो हो सकता है मेंटली उनको थोड़ा इस चीज़ का साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ा हो, जिस वजह से अभी उनकी बॉडी को हील होने में टाइम लग रहा है, या उनकी बॉडी का पूरे पार्ट्स, पूरे ऑर्गन, दिमाग और बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लग रहा है। तो ये कुछ मेरे को डाउट लग रहा है। पता नहीं मैं ये वीडियो डालूं ना डालूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग ख़राब है, सुबह से मैं पजल हुआ पड़ा। मतलब कि मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं था। कल रात को क्या हुआ, शाम को 4 बजे मैंने टेस्ट रिपोर्ट दी, 9 बजे रिपोर्ट आई। 3 चीज़ हल्की हल्की सी पड़ी थी, वो मैंने बता दिया था। रात को एक्सरा कराया, फिर सुबह एक्सरा कराया, फिर अभी 4 बजे मैंने फिर दोबारा KFT और CBC की रिपोर्ट दी है। उसकी रिपोर्ट मिलेगी मेरे को रात को 8 बजे। अभी अगर मैंने ये वीडियो डाली तो मम्मी तक पहुँचेगी, और मम्मी को मैंने बता रखा है सब कुछ ओके कंडीशन है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये मैं चीज़ आपके साथ शेयर करूँ या नहीं करूँ। मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को कोई मतलब समझ ही नहीं आ रहा। मैं किस किस गेस्ट को क्या जवाब दूँ, अंदर जाने नहीं दे रहे, बाहर कोई जवाब आ नहीं रहा, मेरे को कोई अपडेट दे ही नहीं रहे हैं। सुबह से शाम तक एक टेस्ट, या शाम से सुबह तक कोई एक टेस्ट के लिए बोल रहे हैं। बॉडी उनकी मेरे को अब मतलब कि 36 घंटे से ज़्यादा उनको वेंटिलेटर पे हो गया, और अभी वो कह रहे हैं कि कल सुबह कुछ जवाब दे पाएंगे आपको। कसम से बहुत दिमाग ख़राब। और मम्मी को मैं इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि हद नहीं। मम्मी को क्या, सभी गेस्टों को झूठ बोल रहा हूँ। अब वो भी यहाँ आ जाएंगे तो उनको भी कमरे से बाहर रखा जाएगा। अब यहाँ पर 2 बंदे से ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं, भीड़ यहाँ पर कर नहीं सकते हैं। जो जवाब मेरे को मिलता वही जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, या इस माध्यम से अपनी फैमिली वालों को बता रहा हूँ। मलगी मैं आपको बताऊं, सुबह 5 बजे जैसे ही मेरे को पता, संजय कुमार, मेरे को सीधी नींद खुली, क्योंकि उनका होना था एक्सरा। एक्सरे के बाद मैंने 12 बजे के आसपास पूछा, गार्ड ने कहा इनका नाश्ता ले लो, मैंने ले लिया। 12 बजे मैंने मैडम से पूछा, उन्होंने कहा वेंटिलेटर पे 3 बजे से 5 बजे तक होश आ जाएगा, वो भी आया। 4 बजे मेरे को ब्लड रिपोर्ट दिया, 8 बजे मैं ब्लड रिपोर्ट लेके आऊँगा। अभी 6:15 शाम का टाइम हो रहा है। सुबह अब ये मेरे को बताएंगे, सुबह ये समझो जब इन्होंने मेरे को नाश्ता रखवा लिया, और नाश्ता इन्होंने 12 बजे तक नहीं लिया, मेरे दिमाग में टेंशन घूमने लगी। मेरा दिमाग घूम रहा था, मेरा वीडियो बनाने का भी दिल नहीं था, कोई अपडेट नहीं थी। क्या करूं क्या नहीं करूं, किसको क्या जवाब दूं, तब से मैं झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूं। मतलब कि यार 36 घंटों से बंदा वेंटिलेटर पे है, 36 घंटे भी पार हो गए, और अभी अभी उन्होंने कहा है कि कल सवेरे के आसपास हम आपको आंसर कर पाएंगे कुछ भी। तो मैं तो भोलेनाथ से दुआ करता हूँ कि कल क्या आज ही इनको रिस्पॉन्ड मिले, इनकी बॉडी हील करे, इनकी बॉडी जवाब देना शुरू करे। बट आप भी थोड़ा सा प्लीज़ प्रे करना, हिम्मत बनाए रखो, पॉजिटिव रहो, और इमोशनल अभी होने की ज़रूरत नहीं है। भोलेनाथ सब ठीक करेंगे, टेंशन फ्री रहो। बट इसके आगे यार कुछ नहीं कहना चाहता, मतलब कि भरा पड़ा हूँ अंदर से, दिल कर रहा फूट फूट के रोऊं, लेकिन नहीं, अभी थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, रिकवरी तो होनी पड़ेगी, आना तो पड़ेगा। बाकी कल की बात मैं आपको कल बताता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, दिमाग ख़राब हो रहा है इस टाइम। मेरा समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा शब्द निकाल के आपसे क्या बात करूँ, क्या आपको आंसर दूँ, क्या मैं शेयर करूँ, या क्या मैं आपको दिखाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं
वीडियो को यहीं बंद कर रहा हूँ, मैं आपसे कल एक बार बात करता हूँ, कल सुबह स्टेटस लेता हूँ। गाइस रात का टाइम है, लगभग 8 बजे हैं और दवाई लेके आया हूँ जस्ट अभी। और एक खुशखबरी है, 2 मिनट में देता हूँ, डिटेल में बताऊँगा आपको। मेडिसिन वगैरह सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं, चेस्ट बेल्ट वगैरह आ गई और आपका 6 इंच की एक पट्टी आता है गर्म पट्टी, वो भी, और सारी दवाइयाँ भी आ गई। 5 मिनट का टाइम दो, फिर मैं आपको पूरी समरी देता हूँ। गाइस अभी आपने देखा कि मैं 8 बजे दवाई लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो 21 तारीख की वीडियो है, मैं थोड़ा लेट डालूँगा जानबूझ के, ताकि ये वीडियो मम्मी तक ना पहुँचे। क्योंकि देखो अंदर का मेरे को सही नहीं बता रहे हैं, स्टेटस कुछ भी ठीक नहीं बता रहे हैं, मेरे को नहीं पता क्या अंदर चल रहा है क्या नहीं, बट मेरे को इतना पता है क्रिटिकल है। एक डॉक्टर थे जिन्होंने कहा कि वो वेंटिलेटर पे है, सबसे पहले 12 बजे मेरे को कहा कि वो वेंटिलेटर पे है, 5 बजे तक हो जाएगा। फिर शाम को एक लंबे वाले डॉक्टर ने कहा वो वेंटिलेटर पे है, दूसरे डॉक्टर आए, मैंने फ़ोन पर बात कराई, उन्होंने कहा ICU में है। फिर दोबारा एक डॉक्टर आए लंबे वाले जिन्होंने बताया था वेंटिलेटर पे है, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप दवाई लेकर के आओ। मैंने कहा ठीक है, मैं लेकर आऊँ, मैं खुश हो गया, मगर ठीक है यार, पेशेंट नॉर्मल हो गया, सब कुछ नॉर्मल। उसके बाद वही छोटे वाले डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि जिन्होंने कहा था ना छोटे वाले डॉक्टर ने कि ICU में हमने शिफ्ट कर दिया, उन्होंने कहा ये वेंटिलेटर पे है और कुछ भी सच नहीं बता रहे हैं। अभी मैं KFT की रिपोर्ट लेके आया, सब कुछ गड़बड़ था। CBC की रिपोर्ट लेके आया, सब कुछ गड़बड़ है। उसमें WCE होता है, वाइट ब्लड सेल थे जो 4 से 11 हज़ार के बीच में होने चाहिए, जो कि 21 हज़ार थे। बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं यार, बहुत मूड ख़राब है। इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं। मम्मी को झूठ बोल के मैंने सुलाया, भाई को मैंने झूठ बोल के सुलाया, किसी रिश्तेदार को मैं बताने का हूँ, मेरे दिल पे क्या बीत रही है मैं ही जानता हूँ। मतलब ये समझ लो 20 तारीख को सुबह 9 बजे से बंदा OT में है, वेंटिलेटर पे है, OT से वेंटिलेटर पे शिफ्ट हुआ है। अभी 21 तारीख भी निकल गई है, 22 तारीख शुरू होने वाली है, 36 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मेरे को कोई अपडेट नहीं मिल रही। खूब कोशिश करी इधर उधर फ़ोन घुमाने की, बट CTBS से कोई आंसर नहीं मिल रहा। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, रो दूँगा यार। अब 22 तारीख की अपडेट मैं आपको दूंगा, लेकिन 21 तारीख वीडियो, 21 तारीख की आज वाली वीडियो मैं बाद में डालूंगा, जब एक बारी मेरे को पता चल जाए कि हाँ पेशेंट ठीक है। आपसे बात बात करता हूँ मैं, अभी बात नहीं कर पाऊँगा मैं, बाद में।